नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हैं, जो दून यूनिवर्सिटी देहरादून का एग्ज़ाम हुआ था, और ये एग्ज़ाम जो हुआ था 15 तारीख को था, और कुछ स्टूडेंट्स का 16 को भी था, तो 15 और 16 की डेट में इनके एग्ज़ाम थे, लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम 15 तारीख को हो गए थे। तो यहाँ जो 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उन स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया था, उनके यहाँ पर स्कोर कार्ड रिलीज हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। जी, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके स्कोर कार्ड हैं कि किस किस ने एग्ज़ाम दिया था और उसका कितना स्कोर है। तो आपका फॉर्म नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट नाम दिया है, नेम ऑफ फादर दिया है, आपका जेंडर दिया है और मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि कैटेगरी नहीं दी गई है, तो अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसका हो पाएगा किसका नहीं हो पाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट टॉप 5-6 में है, उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो, किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, OBC से हैं, मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप देखेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश सेपरेटली बाई 2 PM ऑन 1st of July 2024। यानी कि आपको 2 बजे 1st जुलाई को जो एडमिशन, जिनका फर्स्ट कट ऑफ में सिलेक्शन होगा, जिनका ऑफिशियल सिलेक्शन होगा, वो लिस्ट आपको 1st of July को 2 बजे यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट पे मिल जाएगी। आई विल शेयर इन द टेलीग्राम। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी मैसेज आप कर सकते हैं, वो नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन है आपका, या फिर और भी जो सब्जेक्ट हैं, उन सब की यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, आप अलग अलग देख पाएंगे। तो यहाँ पे केवल उन्हीं कोर्सेज की लिस्ट दी गई, खासकर ये जो स्कोर कार्ड दिए गए हैं कि हाँ, इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो MS साइकोलॉजी हो, जितने भी हैं आपके सामने आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैक्सिमम आपको वही सब मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे एडवाइस ये है कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं दून यूनिवर्सिटी को, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दून यूनिवर्सिटी का जैसे फर्स्ट कट ऑफ जो है, यानी कि जो लिस्ट है, वो 1st जुलाई को आएगा। 1st जुलाई को आने के बाद 5 से 6 दिन का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने 2 से 3 कोर्स सेलेक्ट किए थे। मान लीजिए अगर मैं लैंग्वेज प्रोग्राम की बात करूँ, किसी ने स्पेनिश भी भरा है, किसी ने जर्मन भी भरा है, तो किसी ने यहाँ पे फ्रेंच भी भरा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच तीनों भरे हैं, उसका मान लो स्कोर 63 है। भाई साहब, जब रिजल्ट आएगा तो वो तीनों कोर्सेज में सिलेक्ट होगा, यानी वो फ्रेंच में भी सिलेक्ट होगा, वो स्पेनिश में भी सिलेक्ट होगा, और वो आपका जर्मन में भी सिलेक्ट होगा। तो फर्स्ट कट ऑफ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आसपास होने के बाद भी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप इसको यह मत सोचिएगा कि आप क्लोज में हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन सेकेंड कट ऑफ में होगा। ठीक है, तो आप सेकेंड कट ऑफ को वेट कर लेना, और आपका स्कोर कितना है, किस रैंक पे हो, आप चेक कर लीजिएगा कि आपके ऊपर कितने। मान लो किसी स्टूडेंट का स्कोर किसी लैंग्वेज में 52 नंबर है, अब उसके ऊपर 20 स्टूडेंट हैं, उसके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, ठीक है, तो ये देखना है कि अगर उसके कैटेगरी पड़ गया, कुछ और पड़ गया, तो सिलेक्शन होने के चांसेज रहेंगे। तो आप देखिए कि आपके ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अगर आप ये आइडिया लगा पाते तो कम से कम आपको 1 तारीख से पहले ये रहेगा कि हाँ, मेरा फर्स्ट कट ऑफ में नहीं भी हो रहा तो सेकंड में आराम से हो सकता है। तो इसके लिए आप मन में तैयार रहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, आपको कुछ नहीं करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मांगे वो करना है, पेमेंट करना, उसके बाद आपका ऑफलाइन एडमिशन होता है। ठीक है, अब ऑफलाइन एडमिशन में आप अगर आप देखेंगे चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट बहुत दूर का है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ वाला, तो मेरी एडवाइस है जब आपका एडमिशन हो तभी हॉस्टल डिमांड भी रख देना कि आप हमें हॉस्टल चाहिए। इनिशियल फेज में आपको हो सकता है रूम बाहर लेना पड़े, बहुत सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन यहाँ बाहर दूरी के हिसाब से हॉस्टल प्रोवाइड कराए जाते हैं, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं। और देखो यार, सीधी सी बात है, देहरादून जैसा साफ़ सुथरा शहर, शुद्ध हवा, ठंडा शहर, तो वहाँ एक पढ़ाई करने का अपना एक अलग मज़ा है। और यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, एकेडमिक्स के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ या तो कमेंट करिए, कमेंट थोड़ा मुश्किल है इन दिनों रिप्लाई कर पाना, तो कोशिश करिए कि आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप करके हमें अपनी क्वेरी जो है ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पर जाएंगे तो आप जैसे दून यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, दून यूनिवर्सिटी, तो आपको केवल एक चैनल मिलेगा, वो हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग देंगे, आपका क्या कोर्स है, किस कोर्स में आपका कितना स्कोर है, आप ज़रूर बताएं, हमें शेयर करें अपना स्कोर, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए उसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी साझा कर ही दिए हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 36 है 40 है 45 है, तो चांसेस बहुत कम है सिलेक्शन होने के। कई मेजर कोर्सेज में कुछ कोर्सेज हैं, जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज है आपकी, तो चाइनीज़ लैंग्वेज में आपका हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ जैसे स्पेनिश वगैरह में, मैंने बताया कि 3-3 कोर्सेज में एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है,
तो उसको एक में ही एडमिशन मिलेगा, ऐसे नहीं कि तीनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि मैं तीन सिलेक्ट किया तीनों में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक साथ दो डिग्री कर सकते हो, लेकिन सेम टाइमिंग पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए होगा तो आप एग्ज़ाम वर्ड को अप्रोच करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो आई विल लेट यू नो। उसके अलावा और कौन से बी प्लान हो सकते हैं, अगर आपका नहीं हो रहा है तो कौन से बी प्लान होने चाहिए, उसके ऊपर भी हम सेशन लाएंगे, और वो गूगल मीट के थ्रू लाएंगे ताकि हम आपसे वन टू वन बात कर सकें, ठीक है। हम गूगल मीट सेशन रखेंगे, आप उसमें आइएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना ज़रूरी है। तो आप सबका शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन बेहतर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, और हमें व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भी मैसेज करके आप हेल्प मांग सकते हैं। इस नंबर पर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, तो आप वो भी चुन सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। जिनका हुआ है, जिनका होने के चांसेस हैं 1 तारीख के लिए, जिनको लग रहा है नहीं होगा, तो आप बी प्लान के बारे में सोचिए। ज़िंदगी एक एग्ज़ाम पे आके ख़त्म नहीं होती है। मैं हमेशा से कहता हूँ एग्ज़ाम जस्ट एग्ज़ाम, नथिंग एल्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट सेशन।